18 के दिए गए एंट्रेंस टेस्ट पंजाब के एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन था, एजुकेशन इज टीचिंग इंस्ट्रक्शन इंडोक्ट्रिनाइजेशन ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर कंफ्यूजन थी जिसके कारण मैंने इनडेप्थ एनालिसिस इंडोक्ट्रिनाइजेशन का किया, जिसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया इंडोक्ट्रिनाइजेशन और टीचिंग का कंपैरिजन है, डिटेल वीडियो है वो आप देख सकते हो। इसके बाद इंडोक्ट्रिनाइजेशन एंड इंस्ट्रक्शन, इसमें डिफरेंस डीप एनालिसिस किया है। टीचर हैज लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स। अब एक वर्ड उसको अंडरलाइन इसलिए किया गया है कि ये सिर्फ ये वर्ड आपकी ऑप्शन को चेंज कर सकता है, अदरवाइज सिंपली टीचर को देखना हो कोई उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। वैसे इम्पैक्ट भी कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट और इफेक्ट इसमें डिफरेंस होता है। इम्पैक्ट जब बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रभाव पड़ते हैं, तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड सबसे बड़ा जो वर्ड है वो कैरेक्टर है। ठीक, लर्निंग क्या है, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन थिंकिंग जो रिलेटिवली परमानेंट है, वो ए फॉर एप्पल भी हो सकता है, एक दो तीन चार आपने सीख लेना वो भी हो सकता है ना। वैल्यूज वो सारी सारे नॉर्म्स और वो प्रोसेसेस बिहेवियर की जो आपका और सोसाइटी का भला करे, वो इनकल ऑनेस्टी है, सफाई रखना है, ऐसी कई चीजें वैल्यूज हैं। तो अचीवमेंट जो बच्चों ने लर्न किया है, लर्निंग से बिल्कुल रिलेटेड है अचीवमेंट को, लेकिन मेजरमेंट में हम ले लेते हैं जो स्कोर्स हम गिनते हैं। ठीक, तो इसमें सबसे बड़ा जो करैक्टर शामिल है, लर्निंग से ही करैक्टर बनता है। करैक्टर होता क्या है, टोटल ट्रेट्स जो है, एटीट्यूड्स है, क्वालिटीज है एक ह्यूमन बीइंग की, उसमें उसके सोशल मॉरल थिंकिंग एज ए टोटलिटी में जो वो उसके रिएक्शंस हैं, हैबिट्स हैं, वैसे अच्छा वर्ड इसके लिए ट्रेट्स हैं। ठीक, तो वो उसकी सारी आदतें क्या पॉजिटिवली डेवलप हो रही हैं। देखिए टीचिंग में, टीचर ने क्या करना है, टीचिंग ने देखिए यहां तक संबंध है, ये रहा टीचर, यहां दिखाई नहीं देगा, रेड कर लेते हैं इसको, ये रहा टीचर। ओके, ये जो प्रोसेस है हो रही इंटरेक्शन इसके साथ, किसके साथ, लर्नर के साथ, ये हो गई टीचिंग। ठीक है, और ये हो गया लर्नर, ये हो गया टीचर। अब टीचर का जब प्रभाव लर्नर पर या स्टूडेंट पर पूछा गया है, तो नेचुरली है कि लर्नर की टोटल पर्सनैलिटी या टोटल कैरेक्टर पर ही होगा। कारण क्या है कि जब टीचर टीच करता है तो लर्नर क्या करता है, ये टीचिंग हो गया और ये हो गई इसकी लर्निंग। टीचिंग का संबंध लर्निंग से हो गया, टीचर का संबंध स्टूडेंट से हो गया, क्योंकि टीचर जो कहता है, बोलता है, जो वैल्यूज को डेमोस्ट्रेट करता है, जब डेमोस्ट्रेट शब्द मैं यूज करता हूं, तो वो टीचर क्या बन जाता है, मॉडल, जिसको बच्चा ऑब्जर्व करता है, उसकी कुछ ना कुछ आदतों का प्रभाव उस पर पड़ता है। तो जैसे हिडन करिकुलम है कि स्कूल के रूल्स, स्कूल का एनवायरमेंट, इवन फिजिकल एनवायरमेंट भी हिडन करिकुलम में क्या होता है कि वो भी प्रभाव डालता है। तो रिटन करिकुलम होता है, सिलेबस होता है, ठीक है, उसके लिए आप एग्जाम देते हुए एवेल्युएट किया जाता है आपको। एक हिडन करिकुलम होता है कि टोटल सोशल एनवायरमेंट, इमोशनल एनवायरमेंट, वहां की एक्सपेक्टेशन टीचर्स की, वहां के रूल्स जो है बने हुए, हर स्कूल के डिफरेंट है। तो एक स्कूल के रूल एनवायरमेंट पुअर है, तो उसका हिडन करिकुलम पुअर हुआ तो बच्चे की पर आदतों पर, ट्रेट पर बुरा, वैल्यूज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक स्कूल में सफाई नहीं रहती तो नेचुरली है उसमें इंकल्केशन हो रही है, लेकिन वो वैल्यू नहीं है। हेल्थ के लिए जो सफाई जरूरी है, दैट इज वाई अगर स्कूल ही साफ रहता है, क्लासरूम साफ रहते हैं, लाइब्रेरी साफ रहती है, प्ले ग्राउंड साफ और सुंदर रहता है, तो वो उस पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे हिडन करिकुलम है, ऐसे उसका एक पार्ट जो है टीचर एज ए मॉडल जब बनता है, तो मॉडल टीचर क्या है कि उसके हर एस्पेक्ट का, एक सिर्फ कंटेंट जो टीच कर रहा है उसके अलावा उसकी आदतों का, उसकी पंक्चुअलिटी का, उसके बोलने के तरीके का, उसका दूसरों के साथ जो रिश्ता है, बच्चा उनको ऑब्जर्व करता है,
वो ईमानदार कितना है, उसका सारा प्रभाव जो लर्नर पर पड़ता है उसके बेस पर ये कह सकते हैं कि कैरेक्टर इज द मोस्ट मतलब वाइडर टर्म इन दिस। सेकंड वैल्यूज है, वैल्यूज कैरेक्टर में शामिल होती हैं, लर्निंग भी शामिल होती है, ठीक है, लर्निंग कॉग्निटिव भी हो सकती है। तो लास्टिंग इम्पैक्ट के कारण हम इसे चूज करेंगे कैरेक्टर को। अगर टीचिंग होता तो लर्निंग को चूज करना था, अगर लास्टिंग ना भी होता तो लर्निंग को चूज कर सकते थे। नवोदया विद्यालय हैज बीन सेट अप एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन स्टेट कैपिटल्स इन बिग सिटीज इन रूरल एरियाज। अब इसमें क्या है कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ये ऐसी टर्म्स हैं जो स्टेट कैपिटल्स है ना, बिग सिटीज। तो जब भी कोई एजुकेशन का काम किया जाता है वो प्रेफरेंस उस एरिया को दी जाती है जो सेंसस के बेस पर, जैसे 2011 में सेंसस हुई उसमें जिन एरिया में लिटरेसी लेवल बहुत लो था, मान लीजिए गर्ल्स का किसी एरिया में लो है, किसी एरिया में रिजर्व कैटेगरी एससी का एसटी का लो है, तो गवर्नमेंट उनके लिए स्पेशल स्कीम बनाती है। तो 1986 की पॉलिसी में ये पाया गया था और रूरल एरिया में जो टैलेंटेड बच्चे थे उन पर स्पेशल फोकस करने के लिए नवोदया विद्यालय खोले गए थे। अब दो तीन चार आपके क्वेश्चन सीधे बन रहे हैं कि ये कब ओपन हुए थे, 1985-86 में ये हुए 1986 की पॉलिसी में, ठीक है, और किसके ये टैलेंटेड रूरल स्टूडेंट्स हैं। तो राइट आंसर इसका सीधा ये हमें मिल गया है, लेकिन नवोदया विद्यालय के बारे में और कुछ भी जान लेना चाहिए, जैसे नवोदया विद्यालय के बारे में ये पढ़ लेते हैं, पूरा नाम इसका जवाहर नवोदया विद्यालय है, JNVs भी आ सकता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। क्वेश्चन ये हो गया, इज ए सिस्टम ऑफ सेंट्रल स्कूल्स, इट मींस स्टेट के पास नहीं है। दूसरे टैलेंटेड स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, प्रीडोमिनेंटली ज्यादातर इस एरिया में रूरल एरिया में, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। रन किसके द्वारा ये चलाए जाते हैं, नवोदया विद्यालय समिति कहां स्थित है, ये न्यू दिल्ली में, ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि यह पहले नाम HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री था, लेकिन नेशनल पॉलिसी 2020 के बाद इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया। ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से पूछा जा सकता है। अच्छा, इन स्कूल्स की नेचर क्या है, फुली रेजिडेंशियल एंड को एजुकेशनल स्कूल्स एफिलिएटेड विद सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये आपके 8-10 क्वेश्चन हो गए हैं, केवल CBSE की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, उसका हेड क्वार्टर कहाँ है वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। किस क्लास से स्टैंडर्ड क्या है, 6th क्लास से शुरू होते हैं, 10+2 तक होते हैं। और एक अजीब बात है कि सारे इंडिया में है एक्सेप्ट तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है। 2019 तक 636 लगभग, अगर नंबर पूछा जाए 636 से अब बढ़ गया होगा, इतने स्कूल हैं। सबसे पहला जो स्कूल था 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड डिसाइडेड टू सेट अप को एजुकेशन इंस्टीट्यूट एज मॉडल स्कूल्स, वन इन ईच डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा स्कूल प्लान किया गया था, एसेंशियली टू प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन टैलेंटेड चिल्ड्रन प्रीडोमिनेंट फ्रॉम रूरल एरिया। अच्छा, इनकी क्वालिटी क्या है, फ्री गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन इन रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स। रिजर्वेशन इसमें 75% रूरल रिजर्वेशन है और 25% ये 75 रूरल और 25 है रिजर्वेशन अर्बन को, ठीक है। एससी रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी इन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन और डिस्ट्रिक्ट सब्जेक्ट टू, अच्छा रिजर्वेशन ऑफ 33% गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन है, ठीक। फ्री बोर्डिंग है, लोडिंग फैसिलिटीज इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक सैनिटरी यूनिफॉर्म डेली यूज आइटम्स बेडिंग आइटम्स। ये थी थोड़ी डिस्क्रिप्शन नवोदया विद्यालय में। ऐसे ही पंजाब गवर्नमेंट ने मेरिटोरियस स्कूल्स खोले हैं उन बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हैं और मेरिट के बेस पर उनको सिलेक्ट किया जाता है, जो हाई अचीवर होते हैं।
टेन प्लस वन और टू के जो सब्जेक्ट्स हैं इन स्कूल्स में टीच किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एस सी ई आर टी स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म क्या है एस सी आर टी की? स्टेट काउंसिल, लेके याद रखना है, काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, ठीक है, रिसर्च ठीक है, ट्रेनिंग भी ठीक है, ये राइट आंसर ये है। आपको ऐसे ही एनसीईआरटी भी पूछा जा सकता है, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, वो नेशनल लेवल की बॉडी है, ये स्टेट लेवल की बॉडी है, एससीईआरटी एंड एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसका काम क्या है, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का काम है। अब मैं पता होगा आपको, जो टेक्स्ट बुक जो पब्लिश लार्जली की जाती है वो एनसीईआरटी की तरफ से ही की जाती है। ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, ये 1961 में एस्टेब्लिश हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये काम करती है। देखिए एससीईआरटी की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो 1986 की पॉलिसी थी उसके बाद उसको अप्लाई करने के लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए भी इसको लिखा जाता है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टेब्लिश्ड एज एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन ऑन मई 27, 1988। नेशनल पॉलिसी के बेस पर एससीईआरटी की एस्टेब्लिशमेंट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th September इन द ऑनर ऑफ, वेरी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कब मनाया जाता है 5th September को, ये हो गया, और सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी के जन्मदिन पर, बर्थडे होता है उनका। दो एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है, तो एक महीना बाद एग्जैक्ट 5th September को सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी जो सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उनका बर्थडे होता है, और फिफ्थ अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये जन्मदिन को टीचर डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि राधा कृष्णन जी जो यूनिवर्सिटी में टीचर थे, एक फिलोसफर रहे हैं, इतने अच्छे टीचर रहे हैं कि उनके स्टूडेंट्स उनको बहुत प्यार करते थे, और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो राधा कृष्णन जी ने ये कहा था कि मेरे बर्थडे को ऐसे सेलिब्रेट किया जाए कि सभी टीचर्स का बर्थडे है, तो उस दिन से ये टीचर डे इंडिया के लिए बन गया।